नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। आगामी त्योहारों को लेकर हुई थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। जतारा थाना में आज जतारा तहसीलदार अखिलेश प्रजापति की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर जतारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें आने वाले त्योहारों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 20 तारीख होने वाले मुहर्रम ताजिए निकलने के लिए भी सभी लोगों को बुलाया गया और उन लोगों को समझाइश दी गई कि जुलूस में डीजे का उपयोग ना करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने साथ साथ नगर पंचायत से, विद्युत विभाग से और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। यह बैठक जतारा तहसीलदार अखिलेश प्रजापति तथा थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी के अलावा समस्त गणमान्य नागरिक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस महीने 19-20 तारीख को मुहर्रम ताजिए त्यौहार मनाया जाना है। इस संबंध में क्षेत्र में जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, इनको बुलाकर ताजिया की रूपरेखा के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। इसमें तहसीलदार साहब, नगरपालिका के अधिकारी, बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित आए थे और सबके साथ मिलकर त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई और लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कि त्यौहार को कोरोना का पालन करते हुए मनाया जाएगा। क्या क्या गाइडलाइन में दिया गया? अभी वर्तमान में इनसे जानकारी ली गई है कि भाई कितने ताजिया बनना है आपके लिए और जो भी शासन की नई गाइडलाइन हमारे पास जारी होंगी उसके अनुसार फिर इनका पालन करते हुए मनवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया के किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के।